तो एक्सरसाइज 30.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कल सोल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को. क्या कहता है क्वेश्चन, चलो देखते हैं. एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखें आप. एक्सरसाइज 30.1, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन थर्ड. पहले क्वेश्चन को हम बताएंगे फिर कराएंगे. जब क्वेश्चन थर्ड कहता है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल, एक फ्लोर है, एक कमरा है ना, और उसका एक रेक्टेंगुलर हॉल है. ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल मतलब एक फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल, एक फ्लोर है रेक्टेंगल हॉल के टाइप का. हैज़ अ पैरिमीटर 250 मीटर. जो हॉल है रेक्टेंगुलर, जो फ्लोर है, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसी कोई फ्लोर है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका पैरिमीटर कितना है 250 मीटर. मान लो पैरिमीटर मतलब 2 in bracket l + b, ये तो हुआ. पैरिमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 in bracket l + b. फिर क्या कहता है, जिसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls, जो 4 wall की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो कितनी है, ₹10 per meter square = 15,000. यानी रेट आपको कितना दिया है 10 per meter square, कॉस्ट कितने दिए 15,000. निकालना क्या है, हाइट ऑफ द वॉल. पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हिंदी में आयताकार कार हॉल का परिमाप. ये तो है आयताकार हॉल का परिमाप कितना है 250. अच्छा पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर यूनिट में नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ लेंथ, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ 4 sides ऑफ रेक्टेंगल. यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो हुआ. अच्छा अब उसने क्या किया, इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, जिसमें 2 length और 2 breadth टोटल मिलाकर 250. अब क्या कहता है, अच्छा कॉस्ट इसने दी है, क्या दी है, कॉस्ट दी है कितनी है ₹15,000. रेट कितना है, अच्छा कॉस्ट और रेट में कोई डिफरेंस कर सकता है, कोई बता सकता है कॉस्ट और रेट में डिफरेंस कैसे पता लगेगा, जैन उन बात बताओ. रेट है 10 per meter square और कॉस्ट है ₹15,000. बताओ कॉस्ट हमेशा रेट प्राइस में आएगी और रेट आएगा मीटर पर, का मतलब ये होता है 10 by meter square. पर का मतलब 1 meter square में, पर मतलब प्रति, हिंदी में लिखो दर 10 प्रति meter square. यानी वो कह रहा है 1 meter square में अगर आपने पेंट करा तो कितना रुपया खर्च हुआ, 10 रुपया. ये सुन लो, यानी 10 rupees खर्च हो गया, ये सुन लो. और जब वो 10 rupees खर्च हुआ तो किसी एरिया पे तो खर्च हुआ होगा, वो एरिया आपको नहीं दिया है, और एरिया निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, और आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट भी नहीं दी गई है. अब एरिया निकलेगा कैसे, जब तक एरिया नहीं निकलेगा तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट तो जब निकलेगी जब एरिया गिवन होगा. लेकिन आपको याद होना चाहिए कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू एरिया. जैसे एरिया आपको निकाल सकते हो अगर आपके पास रेट और कॉस्ट है, ये सुनो. अगर आपके पास क्या है, रेट और मान लो कॉस्ट इज इक्वल टू, भूल जाओ लागत, दर लिखना यहाँ पर, यहाँ पे लिखो लागत, यहाँ लिख लो दर, साथ में लिखते भी चलो. अच्छा अगर कॉस्ट निकाली जा सकती है, यानी लागत निकाली जा सकती है, बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, क्षेत्रफल और दर. यस और नो, लागत निकाली जा सकती है तो आपके पास दर और क्षेत्रफल हो. वैसे ही क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, एरिया निकाला जा सकता है अगर आपके पास कॉस्ट और रेट हो. आप कैसे निकाली, आ गई. तो कॉस्ट का उल्टा रेट, एरिया मतलब
रेट इनटू एरिया कैसे निकला, कॉस्ट कैसे निकली, रेट इनटू एरिया, तो एरिया कैसे निकला, कॉस्ट अपॉन रेट, यस और नो, कैसे निकला, कॉस्ट अपॉन रेट, यानी आपका एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, हिंदी में क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लागत बटा दर, ये तो हुआ बच्चे, ये तो हुआ, लागत बराबर क्या हुआ, दर बटा क्षेत्रफल, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, सॉरी क्षेत्रफल, रेट, एरिया इज इक्वल टू क्या हुआ, रेट, कॉस्ट कितनी दी है इसमें बोलो, हाँ कॉस्ट है आपकी, तो आपने एरिया निकाल लिया यानी क्षेत्रफल निकाल लिया, लागत आपकी है 15,000 और रेट है आपका 10 रुपये, 10 से 10 गया, कितना बचा आपका एरिया, अच्छा दिखाऊं मैं, ये रुपया था ना, और एरिया क्या, और ये क्या है, कॉस्ट किस में निकली थी, देखो ध्यान से देखना, कॉस्ट किस में थी, रुपए में ना, रेट कितना था, मीटर पर स्क्वायर, ये सुनो, पर है ना, पर का मतलब नीचे ना, नीचे का मतलब समझा रहा हूँ, नीचे का मतलब मीटर कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर चला गया ना, प्राइस से प्राइस कट गया, बचा गया, आ गया, मैं बता रहा था कि इस मीटर स्क्वायर कैसे बना बच्चे, 1500 हो गया ना आपका, कैसे आया, फिर से बताऊँ, कॉस्ट को इससे डिवाइड किया हमने, रेट, रेट हमेशा किस में होता है, रेट होता है प्राइस और आपकी जो भी मेजरमेंट है, चाहे वो सेंटीमीटर है, चाहे वो मीटर है, चाहे किलोमीटर है, या वो कोई भी मीटर है, अंडरस्टूड, वो आपकी लेंथ है और उसमें होती है, और कॉस्ट आपकी प्राइस में होती है, तो प्राइस से प्राइस कट गया, मीटर स्क्वायर का ऊपर चला गया, तो जो एरिया निकला आपका वो मीटर स्क्वायर नहीं हो गया, ये सुन लो, 1500 आ गया, अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, जल्दी बोलो, टू फाइंड करना है हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ हॉल, हॉल मतलब कैसा है, क्यूब, और रेक्टेंगल से बना क्या है, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, यस और नो, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, सुनो मेरी बात, फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर वॉल्स, कितनी दीवारें हैं, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, चार दीवारें बोले तो, टू इन ब्रैकेट में एल प्लस बी इन टू एच, बना कैसे था पता था, टू एल बी टू बी एच, बना कैसे था, टू बी एच टू एल बी, यानी बी एल इन टू एच हमने बनाया था, याद है, टू एच इन ब्रैकेट में हम लिखा था ना बी एल, फिर एन सी आर टी वाला मैच करा था लास्ट क्लास में, तो या हमने बताया था आपको, हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है कि कमरे की ऊंचाई, और ऊंचाई इज नथिंग बट, हाइट इज नथिंग बट, इट इज़ अ एच, ही तो निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, टू इन ब्रैकेट में एल प्लस बी इन टू एच, विच इज़ योर एरिया, एरिया कितना है 1500, ये सुन लो, अब टू इन ब्रैकेट में एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो ना, पेरीमीटर, ये सुन लो, पेरीमीटर, तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, हाँ जी क्या लिखेंगे, रीज़न क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500, एच इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 250, एच इज इक्वल टू 6, विच इज योर आंसर, ये सुनो, यानी 25 पंजे 150 है ना, 250, हाँ 50 लिखना होगा, ठीक है, हाँ ये सुनो, हाइट कितनी आ गई 6, ये सुनो, ऊंचाई कितनी आई बच्चे, 6 आई ना, किसको नहीं आ रही, इस बार इस क्वेश्चन को दोबारा भी समझा सकता हूँ, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें सिर्फ ये बोला है कि, सुनते जाओ लिखते जाओ, इसमें सिर्फ ये बोला है कि एक कमरा है, वो कमरा आपका रेक्टेंगुलर है, फ्लोर रेक्टेंगुलर है, ज़मीन रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के ऊपर तो क्यूबॉइड ही बनेगा, पैरीमीटर दे दिया, यानी टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी उसने दे दिया, फॉर्मूला फिर कहता है कि भाई इसकी कॉस्ट और रेट दी है, हमें पता है अगर कॉस्ट रेट दिया हुआ है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट टू एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, डिवाइड करके हमारा 15,000 से 1500 आ गया, फिर हमने
फॉर्मूला रख दिया, कौन सा वाला, क्योंकि कमरे की चार दीवारें हैं, कमरे की चार दीवारें ऊपर और नीचे गायब, इसका मतलब 2LB गया, बचा क्या 2BH और 2HL, जो NCERT के अकॉर्डिंग फार्मूला बन गया 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी इन टू एच, और आपने 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी आपने क्या रख दिया, पेरीमीटर, बचा H, वहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड, इसलिए 15000 से 1500 को 250 से आपने डिवाइड किया एंड यू आर गेटिंग योर आंसर 6 विच इज़ योर हाइट। अंडरस्टूड? किसको समझ नहीं आई? हाँ आप देखते बेटा चौथा क्वेश्चन, अगर अभी भी नहीं आई तो बताओ मुझे, कोई डाउट कुछ डरने की बात? हाँ जी पलक नहीं चलो, हाँ 6 मीटर ही आएगा, 6 मीटर क्यों आएगा बताया ना, ऊपर कितना है, ये स्क्वायर था ना, 250 क्या एक लेंथ है जो मीटर में थी, मीटर नीचे गया, 1500 क्या है मीटर का स्क्वायर, 250 क्या है मीटर, 1500 से 6 पे गया, 1 मीटर 2 मीटर या 1 मीटर बचा क्या, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है आगे बढ़ो, चल 4 क्या कहता है बच्चे, देखो वो कह रहा है अ पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर का स्क्वायर, साफ दे दिया उसने एरिया इसमें गिवन है, लेकिन पता नहीं एरिया कौन सा है, एरिया टोटल है, ये चार दीवारों वाला है या GF वाला है, गोल्डन फॉर्मूले वाला नहीं पता ना मैं, हाँ ये अभी देखते हैं पढ़ के, आगे पता लगेगा। फिर कहता है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, कितनी ईंटें लगेंगी जिनकी लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है 22.5, 10, 7.5 सेंटीमीटर, ये सब नो, कितनी ईंटें लगेंगी, इसमें ईंटें निकालनी है, अब समझने की कोशिश करना, मान लो आपका एक कमरा है ये सब नो, और उस कमरे में उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, हाँ तो इस कमरे में पेंट हुआ, नहीं समझे, कितने में हुआ 9 पॉइंट, यानी इस कमरे का एरिया कितना है 9.375 मीटर का स्क्वायर, ये इसका क्या है बेटा एरिया तो दिया, यानी इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है, आपको इस कमरे का एरिया नहीं निकालना, ये सो नो। फिर कहता है हाउ मैनी ब्रिक्स, यानी पेंट होगा इतने एरिया पर, और जो पेंट होगा उसमें इतना एरिया पर पेंट होगा, यानी इस कमरे का जो एरिया है इस पर पेंट होगा, ये सुन लो। अच्छा फिर वो कहता है कितनी ईंटें हैं जो पेंट हो जाएंगी, यानी इस कमरे में कितनी ईंटें निकली हैं, लगी हैं, नहीं समझे मेरी बात, आप अपने घर में कमरे की ईंटें निकाल सकते हो पेंट से, ये सुन लो, ये है क्वेश्चन, नहीं समझे, हाँ बस ये है कि आपकी जो ईंटें हैं उसने ईमानदारी से लगाई हों, तोड़ तोड़ के लगाई हों, आदि तोड़ तोड़ के मारते हैं ना डंडे से, हाँ अगर उसने ईमानदारी से पूरी पूरी लगाई है तो आप टोटल ईटें निकाल लोगे, ये है फॉर्मूला, नहीं समझे, क्वेश्चन है, फिर समझ में नहीं आया, यानी आपके कमरे में का एरिया ये है, उस एरिया से आपको ईटें निकालनी है, यानी इस कमरे में कितनी ईटें लगी हैं, अंडरस्टूड, दिस इज़ योर क्वेश्चन, ये सुन लो। तो अब ईटें कैसे निकलेंगी, अब चलो मैं समझाता हूँ, एक जनरली पे आता हूँ, मान लो एक डिब्बा है, एक डिब्बे में मान लो एक डिब्बे का एक जगह है, एरिया है, इतना एरिया है, अब मैं कह रहा हूँ उस डिब्बे में आप कितने छोटे छोटे, मान लो एक कमरा है डिब्बा, ये कमरा डिब्बा है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कितने, गलत बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना, ये यहाँ अप्लाई नहीं होता, लेकिन समझना, इसमें छोटे छोटे कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो या इसकी लेंथ ब्रेथ आप नाप लोगे, एरिया नाप लोगे, फिर आप देखोगे कि टोटल एरिया कितना है, उसी हिसाब से आप इसमें डिब्बे एडजस्ट करोगे कि भाई 1000 डिब्बे, 2000, 10000 डिब्बे आ जाएंगे, ये सुन लो, ऐसा नहीं उस मेजरमेंट के डिब्बे बदल जाएंगे अगली बार, सेम ही रहेंगे, अगर सेम मेजरमेंट रखी जाती है उस डिब्बे की तो उसी मेजरमेंट के सेम डिब्बे नहीं आएंगे, जैसे अलमारी होती है हमारी किताबों की, किताबों की अलमारी होती है कि इतनी मोटी बुकें कम आएंगी, पतली बुक ज़्यादा आएंगी, ये तो होता है क्योंकि उसकी मेजरमेंट है, उस बुक की किताब है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, यानी इसमें हमें ईंटें निकालनी है, यानी टोटल एरिया इतना है और टोटल ईंटें कितनी होंगी इस एरिया में ये निकालना है, तो यानी ये जो एरिया बना है वो पहले ईंटों से तो बना है, इसमें ईंटें तो लगी हैं, और उसने कहा इसमें जो ईंट है उसकी, ध्यान सुनना समझना, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है 22.5, ये लेंथ हो गई, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और बेटा हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, अब बताओ कैसे रही, ये LBH हो गया, ये सुन लो, तो कहने का मतलब समझने की कोशिश करना, आंसर सो आएगा, क्लियर, हाँ जी,
हाँ, इसमें क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, यानी कहने का मतलब हमें ईट का एरिया निकालना है। अच्छा ध्यान रखना, जब हम लोग ट्रिक है, ये छोटी क्लास में आपको जरूर पढ़ाई गई होगी, ट्रिक होती है जब कम ज़्यादा दिया हो और कम पूछा हो तो क्या करते हैं, डिवाइड, याद है, ज़्यादा दिया है, ज़्यादा एरिया दिया है और कम एरिया का तो डिवाइड होता है, और कम दिया हो ज़्यादा पूछा हो तो मल्टीप्लाई। मैं कहूँ एक केला 2 रुपए का, 10 केले मल्टीप्लाई तो किया, 1 केला 2 का, 10 केले 10 केले 20 के 1 केला, ये सुनो, 10 केले 20 के तो 1 केला कैसे निकला, 10 को 20 से डिवाइड कर दें, योर आंसर अंडरस्टूड। फिर गोल्डन फार्मूला क्या है, ज़्यादा दिया हो, कम पूछा हो, डिवाइड, कम दिया हो, ज़्यादा पूछा हो, मल्टीप्लाई, यानी इसमें क्या होना चाहिए, ईट को हम उसके एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड, यानी हमें इसमें ईट का एरिया निकालना है और उस ईट के एरिया को हमें किससे डिवाइड करना है, उस कमरे के एरिया से डिवाइड करना है। अंडरस्टूड, नहीं आ रही, और जब ईट बनेगी तो पूरी बनेगी ना, ऊपर नीचे से खुली दोनों होगी, ये सुनो, ईट खुली होती नीचे से तो टोटल की लगेगी ना, लेटरल का या गोल्डन वाला क्यों लगेगा, हाँ ईट क्या होती है, ऊपर से खुली होती है, जो ईट लगाई जाएगी वो पहले तो एक ईट का निकालोगे ना, क्या ना 100 ईट का निकालोगे एक बार में, एक ईट जो बनेगी वो कैसी होती है, ऊपर से खुली नीचे से बंद, नीचे से खुली, टोटल क्या होती है बताओ ना, पूरी होती है ना ईट, तो पूरा लगेगा ना, यस और नो, तो फिर ईट लगा रहे हो ना कि खुली हुई ईट लगाओगे, तो खुली हुई ईट क्या लगाओगे, फिर वो ईट लगेगी है? फिर वो ईट की तो बात की, तो टोटल सरफेस एरिया और ई ब्रेक लगाओगे पहले, यस और नो, क्यों, ईट खुली है ऊपर से, नीचे से खुली है, तो फिर बंद है ना ईट तो पूरी, तो लगाओ टोटल सरफेस एरिया, हाँ जी टोटल लगेगा 2 इन ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL, 2 LV प्लस 2 BH प्लस 2 HL, ऊपर से जा रही आ रही है, मैं कह रहा हूँ जो घर पे नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब वो कॉपी से पता चल रहा है, इससे पता ये भी चल रहा है कि अगर वो घर नहीं पढ़ रहा है तो उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ध्यान रखना मैथ के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, मैं ही कर दूंगा तो फ़ायदा क्या होगा सारे, लिखो एरिया ऑफ हॉल, लिख दो कमरे का क्षेत्रफल, का कमरे में तो करेगा वो, कितना दिया है 9.375 मीटर का स्क्वायर, डायमेंशन क्या दी गई है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ है इसकी 22.5, ब्रेथ है 10 एंड हाइट है 7.5, ये है मीटर, तो हमें पहले निकालना होगा एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक हिंदी में ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हुआ एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट का एक का निकलेगा, तो क्या हुआ 2 इन ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, चलो ये कह रही है पहले कर लो सर सेंटीमीटर में, तो L हो गया आपका 22.5 इंटू 100, अच्छा सेंटीमीटर में था ये, मीटर में लिख दिया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या बन गया है? ये तो और छोटा हो गया, L इज इक्वल टू 0.225 सेंटीमीटर हो गया, यस और नो, चलो बाद में भी कर सकते थे चाहे पहले कर लो, ये किसका है आपका L का, फिर किसका निकालेंगे आप B का, फिर क्या होगा B को 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड किया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाते कलम ने बताया था 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपकी B कितनी हो गई 0.1 मीटर, फिर आपका आता है H कितना है 7.5 सेंटीमीटर, बनाना क्या है मीटर बनाना है, तो इसलिए 7.5 को 100 से डिवाइड किया तो कितना हुआ H, हाँ
हाँ ना 0.075 पता है ना, 7.5 है ना, डेसिमल कितने के बाद है, एक के बाद 100 था तो यानी दो, यानी इससे तो काउंट होंगे, इससे या फिर इधर, यानी एक इधर और एक इधर, यानी 0 डेसिमल, तो क्या डेसिमल हट गया, कितने के बाद हो गया 0.075, कितना आएगा, यही है ना। आप इसको फॉर्मूला लगा दो तो यानी 2LB कितना है आपका, L है 0.225 इंटू बी से मल्टीप्लाई हुआ, बी क्या है इसमें 0.1, फिर प्लस, चलो बाद में कर देना मल्टीप्लाई 2 से, फिर आता है प्लस BH, बी क्या है इसमें 0.1 इंटू H कितना है 0.075, फिर प्लस, ठीक है हाँ, फिर क्या है HL, H कितना है 0.075 इंटू L, कितना है बोलो ना, 0.225। अच्छा जी, तो तुम्हारे दो तोड़ जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.450 0.45 कोई नहीं, प्लस 0.2 इसमें 0.275 0.1 से मल्टीप्लाई होगा ना, और एक ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ है 1, हाइट है 0.075, ये भी गलत है, अब ये आराम कर लें। तो ये आपका हो गया, डेसिमल और आ गया, तो एक और खिसक गया था 0.0225 प्लस एक और डेसिमल खिसक गया था, तो क्या हुआ 0.0075 प्लस, अब आ जाओ 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.225 कितना आया 0. तभी कह रहा था ना बेटा, मुझे क्या नाम है कितने का सेंटीमीटर बाद में कर लेना, मीटर आ रही ना नहीं याद, 16875 आ गया। अब क्या होंगे तीनों डेसिमल था दो बढ़ गए ना, यानी एक और एक दो, एक और बढ़ गया इधर, तो एक के बाद लगेगा 0, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल 0 के बाद था, एक और 0 डेसिमल आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक और डेसिमल इंक्रीज हो गया, याद है 0, और यहाँ पे 3, 2, 5 3, 3, 6 के बाद आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसी रही। अब इन सबको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, तो 0.0225 प्लस 0.0075 प्लस 0.01 6875 इंटू 3 क्या करें क्या करें, मल्टीप्लाई करने का 2 से, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करा, तो मल्टीप्लाई भी तो करो, ये था 225 सही है 0.225 बी ब्रेथ है 10 0.1 ठीक है, फिर 7.5 0.075 फिर आ गया लेंथ, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ है आपकी 1 और हाइट है आपकी 0.075 और है 0.075 HL, हाई 0.075 इंटू लेंथ है 0.225 हाँ मतलब कितना आया, ये सही आया, इधर कितना आया, हाँ करो, नहीं नहीं तुम भरो दोबारा क्या करो, कितना आया ये बताओ मुझे, 0.0935 इसका 0. ये सही आया जो तुमने कहा, कितना आया 0.0975 ही आ रहा, सेम डिजिट है 9375 तो बस सही है फिर 0.0225 प्लस 0.0075 प्लस बात है नहीं पॉइंट 0.01
6875 इंटू टू कितना आया? हाँ जी हाँ बेटा, ओ एक मिनट बेटा, दो में वेट कर सकता है? तो बेटा ये आया आपका, और इसका कितना आया था? हेलो, इन सबको जो आपने प्लस करा वो कितना है प्लस? 0.046875 यस और नो मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू आया 0.09375। ये कितनी ईटों का है? 1 ईट का, यस और नो? ये किसका निकला आपका? निकालना आपको है सबका, यानी कितनी ईटें निकालनी है, यानी याद से में आ गया? लिखो लिखो, तो देखो ये किसका निकला एरिया बेटा? तभी कह रहा है मैथ लगाना चालू कर दो घर पर, ये कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लाई डिवीजन, जो नहीं कर रहे उनके तो तोड़ेंगे। सही में आ रहा बेटा? आ जाओ, तो आ गया है, इतनी आसान नहीं है बेटा, समझे? नाइन्थ सोच रहे हो कि ये थे निकल जाएगी, अभी तो शुरू हुआ है, अभी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, ये तो टेलर था। हाँ जी, तो एरिया ऑफ, सॉरी टोटल ब्रिक्स निकालनी है, क्या निकालना है आपको? टोटल ब्रिक्स। अब क्या हो रहा है, एरिया से एरिया डिवाइड होगा, ये सुनो। एक एरिया किसका है? एरिया ऑफ हॉल, कमरे का, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये सुनो। हिंदी में कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल अपॉन ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, कमरे का कितना है बेटा? 9.375 मीटर का स्क्वायर, और ईंट का कितना आया? 0.0935। पहले देखो डेसिमल कितने पे आया यहाँ पर? एक के बाद, एक दो तीन चार पाँच, तो आपको क्या करना है, 9.375 जो है इनटू कितने जीरो जाएंगे ऊपर, ट्रिक सीखो, कितने जाएंगे? पाँच। इन पाँच जीरो से क्या होगा, नीचे के पाँच जो डेसिमल थे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच उठ जाएंगे, बचा क्या नीचे सिर्फ और सिर्फ 9375। ट्रिक सिखा रहा हूँ, देख लो कितने पर डेसिमल था नीचे? पाँच पर था, तो उन पाँच पर जो डेसिमल था हमने वो डेसिमल निकाला और ऊपर पाँच जीरो लगाया, यस और नो? दो पे होता तो ऊपर दो जीरो लगाते, ठीक है? तो ये ट्रिक थी। आप सुनो, बचा गया ऊपर एक दो तीन, यहाँ पे कितने पे डेसिमल है पहले लगा दो, पहले 9375, देखो ध्यान देना, एक दो तीन चार पाँच का और मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जीरो के साथ वन भी है, हाँ जीरो नहीं है सिर्फ वन भी है, हाँ जीरो तो जीरो हो जाता है, हाँ तो इंटू कितने जीरो का है इसमें? पाँच, एक दो तीन चार पाँच, नीचे क्या है 9375। डेसिमल कितने पे था यहाँ पर, ध्यान देखो, दो, एक दो तीन, कितने जीरो गए? एक दो तीन, फिर बता सकता हूँ मैं, कोई नहीं। ये तो समझ में आ रही, क्या थी ये आपका निकला है जो एक ईट का, कितने पे डेसिमल है? पाँच डेसिमल। हटाने के लिए क्या करना पड़ेंगे? पाँच जीरो लगाने पड़ेंगे, कक्षा सेकेंड थर्ड फोर्थ में पढ़ाया गया था आपको, ठीक है? उसके बाद जब डेसिमल हटा दिए तो ये अकेला हो गया ना डेसिमल के बिना, पूरा जीरो भी चला गया, सिर्फ ये बची थी चार, चार आ गई ना। डेसिमल जो थे वो किससे मल्टीप्लाई हो, जीरो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 9.375 से, जीरो नहीं है वन भी है, काउंट सिर्फ जीरो होंगे, ये वन नहीं कर लेना काउंट, एक दो तीन चार, तो इसमें पाँच जीरो जुड़ जाएंगे, जोड़ दिए। अच्छा इस वैल्यू में डेसिमल कितने पर है? एक दो तीन, ये तीनों जीरो गए, कितने बचे आप? दो जीरो, और ये सेम वैल्यू है ना, बचा क्या? सेम को काटते वन, जीरो कितने बचे? है ना, दो जीरो के ऊपर एक जीरो, या सुनो कितनी ब्रिक आई? हंड्रेड्स। तो आपकी ब्रिक्स आ गई 100 ईटें, कुल ईटें कितनी हैं? 100 ईटें, पढ़ लो बनना बेटा ईटों से वास्ता होगा, समझे लड़कों? हाँ जी, लिख लिया, देखो फास्ट। अगला क्वेश्चन है जो आपका
वो तो कर लोगे सही। आ क्यूबिकल पर, अब क्यूब पे आ, क्यूबर्ड हो गया हमारा, अब है क्यूब। क्यूब मतलब घन है ना, और क्यूबर्ड घनाघन, घना है ना, है ना। क्यूब आपका क्या है, घन, यानी जिस जो किससे बना है, स्क्वायर से बना है। और क्यूबर्ड किसे बना, देखो उसने बता भी दिया क्वेश्चन में, रेक्टेंगल आ गया, ये सुन लो। तो क्यूब तो पता ही है आपको। अच्छा क्यूब जैसे यहाँ पर दिया है फिफ्थ क्वेश्चन, आ क्यू फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, समझ में आ गया, समझाऊँ दोबारा। ईट का निकालो और पूरे कमरे की से डिवाइड कर दो एरिया से, हमें टोटल ईटें मिल जाएंगी जो पेंट होंगी, ये सुन लो। यानी पेंट को डाल दो, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कमरे में कितनी ईंटें लगी है, निकालो जिसका एरिया इतना है। तो आपने क्या किया, उसके एरिया से उसकी, हाँ, ईट एक ईट से डिवाइड कर दो, आपको ईंटें पता लग जाएगी। है इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ, आर्किटेक्चर, यानी अगर आप किसी इंजीनियर होते हो, किसी बिल्डिंग बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए, एस्टीमेट बना के देता है वो कितना खर्चा आएगा, उसे पूरा और एग्जैक्ट वही आता है, एक रुपया ऊपर ना एक रुपया नीचे, अगर आता है नीचे तो वो ऊपर कर देता है उसको, है ना। आगे बढ़े, क्लियर। तो ये यार तभी तो होता है पढ़ा लिखा इंजीनियर, कि खर्चा बता देगा, आप निकालेगा कॉपी पेन किताब निकाल, अच्छा इतना 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 नापा उसने इंची टेप से, फिर वो निकाला है ना, कैलकुलेट करा कि इतनी ईंटें लगेंगी, है ना, एक ईंट पे इतना मसाला मसाला लगता है, तो इतना मसाला। अब वो कोई कमरा बनाने तो जा नहीं रहा, कि भाई कभी बस्ती में वो कहाँ जा रहा है, एक एक मॉल बना रहा है, और मॉल जो है कम से कम है ना 100 मीटर का, अब कितना लग जाएगा रुपया, समझ में आ रहा है। हाँ तब तो इंजीनियर बुलाया जाएगा ना, कि घंटा घर का मिस्त्री, है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, बेटा क्या हुआ, कभी आप पानी लेने जाती हो, कभी पेन उठाती हो, इनका पेन, ये आप कितनी सेवादार हो, है ना, आपको तो गुरुद्वारा में होना चाहिए। अच्छा गुरुद्वारा में बहुत सेवा करते हैं, देखा है आप। अच्छा वहाँ पे जो देखा है पानी पिलाते हैं, जूते पर पॉलिश मार रहे हैं, वो कौन होते हैं, वर्कर नहीं होते, वो वही लोग होते हैं, वो दिन मान लेते हैं कि आज हम आएंगे कल तो माना, यस और नो, हाँ, तो वो अच्छे लोग होते हैं, समझ में आ रहा है। यानी वो ये नहीं है कि सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन बांट लेते हैं आके, इस दिन हम सेवा करेंगे, समझे, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आप भी उनको सेवा कर रही हो, इन्होंने हमारे ट्यूशन को गुरुद्वारा बना रखा है। कभी बच्चों को पानी मिलाती है, कभी किसी का पैर उठाती है, लेकिन हाँ लेकिन खुद कुछ नहीं करती है। लेकिन हाँ ये भी गलत है, ये भी ये क्या है, बेईमानी है ये, हाँ ये भी गलत है कि आप खुद कुछ ना करो, है ना, खुद भी करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन समझो, एक करो ध्यान दो, क्या कहता है, एक देखो एक आप वो कह रहा है, एक बक्सा है घन का, घनाकार है ना, घनाकार नहीं, घना और घनाव, घना यानी क्यूब, एक बक्सा है यानी क्यूब बॉक्स है, ईच ए 10 सेंटीमीटर होता है। अच्छा साफ बोल दिया 10 सेंटीमीटर का मतलब सारे लेंथ ब्रेथ हाइट सेम ही है, चाहे लेंथ ब्रेथ कह लो या हाइट कह लो, सब सब हैं 10। एक है क्यूबोइडल यानी घनाकार, उसका है 12.5 10 और 8, 12.5 10 और 8, यानी वो क्या है, क्यूबोइड हो गया, तीनों चीज़ें अलग हैं। निकालना क्या है, विच बॉक्स है ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया, किसका ज़्यादा है लेटर सरफेस एरिया, यानी अब साफ बोले लेटर सरफेस एरिया यानी क्यूब में लग जाएगा 4a का स्क्वायर और क्यूबोर्ड में लग जाएगा 2 इन ब्रैकेट में l प्लस b इन 2h। और पहला सॉल्व हो गया, हाँ जी पहला सॉल्व हो गया, ये लड़की गलत यहाँ पे गलत बैठी है, आज मेरा पेपर पे गायब करेगी, जिससे तो नहीं देख रही है, इसको देखना है, ये पता लगा एक्सचेंज कर दे पेपर अपना, घर से करके लाई हो। हाँ यहाँ देखो बेटा समय आ गया, पहले वाले में लगेगा एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, एल एस एल फॉर लेटरल, एस फॉर सरफेस और ए फॉर एरिया, है ना, लग गया ना पहले में, क्यों लगा, लिखा हुआ है ना इसमें साहब। और एल एस ए का फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्यूबोर्ड 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी इन 2h। एल कितनी दी है क्यूबोर्ड की इसमें 12.5 और 10 क्या वाइड में चौड़ाई यानी b और h क्या है इसमें 8 सेंटीमीटर, या सुन लो लगा दोगे फार्मूला, हमने समझा दिया है। अच्छा और क्यूब के लिए क्या लगेगा 4a का स्क्वायर, a क्या है 10 4 4, 10 का मतलब 10 का मतलब 10 का स्क्वायर 100 400 400 होना है, और उसका देख रहे हैं कुछ 400 ऊपर नीचे होगा, तो पता लग जाएगा किसका ज़्यादा, जिसका ज़्यादा होगा उसे कह दो कि इतना ज़्यादा है, ज़्यादा कैसे निकलेगा
माइनस करके, ये तो करो, दोनों को निकालोगे और क्या कर दोगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस। नहीं समझे मेरी बात? मान लो कीर्ति के नंबर आए 50 और 50 के और पलक के आए 40, तो कीर्ति के कितने ज़्यादा है पलक से? 10 आ गया ना, क्या करा? माइनस। तो ये इस बॉक्स में क्या करोगे? माइनस करोगे, तो पता लग जाएगा कितना बड़ा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया लग गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्र किस बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कम होगा? यानी दोनों को निकाल लो, दोनों का पता है, कल आई थी आप, गुड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 2 इन ब्रैकेट में L+B+BH+HL, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6A का स्क्वायर। क्या होता है? 6A, लिख लो ना, मैं बोल रहा हूँ कि 6A का स्क्वायर। इस बार क्या होगा, A कितना है 10 क्यूब में, A का 10 10 2 100, मान जाओ ना बेटा, बहुत देर हो गई, मान जाओ, सही से बैठ जाओ, बैग हटाओ वहाँ से। दस हो गया, 6A का स्क्वायर, ए मैंने 10, 2 100, 6 से मल्टीप्लाई 600। दूसरा क्या होगा, निकालना पड़ेगा, 2 in bracket में LB BH+HL, एल बी और एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं होगा? मुझे करके दिखाओ, उसमें कुछ नहीं है, कुछ टफ ही नहीं है, जल्दी करके दिखाओ मुझे, करो जल्दी से स्टार्ट। पहले निकलेगा लेटर सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है? हाँ जी, हाँ कीर्ति, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने अभी भी 50 बार बता चुका हूँ, कल मैंने बनाकर भी दिखाया था। हाँ पलक, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हम जो छिनो नकटे बोरा, हाँ हाँ बताओ, 2 BH नहीं L+BL into H, जो बनाया 2 in bracket में L+B into H, क्या कर लो, अभी तो बताया भी था फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया क्या है फॉर्मूला, 2 in bracket में L+B into H, और उसका क्या है, क्यूब का है लेटर सरफेस एरिया, हाँ क्यूब का क्या है तो बोल दो, हाँ याद नहीं कर रही आप, हाँ बेटा करोगी याद, कर लो बेटा, पढ़ो घर जाकर, इतना ईमानदारी से समझा रहा हूँ तुम लोगों को, याद तुम्हें करना है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आप बताओ टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड, कल बताया था मैंने, हाँ टोटल सरफेस एरिया क्यूब, हाँ उसकी पेंसिल गिर गई, उठाओ जाकर, खुद मत पढ़ो, हाँ टोटल सरफेस एरिया क्यूब, आप बताओ 4A का स्क्वायर, लेटरल है टोटल का, याद कर मैं बताया था कल, 6 5 4 क्या हुआ, क्यूब, 6 साइड 6 फेस, याद तो रहो 6 फेस होते हैं, तो टोटल ले लिए तो 6 एक और नहीं हो गया, हाँ तो 6A का स्क्वायर, कल लिखाया था, लिखा था आपने, तो बेटा याद कौन करेगा, हैं नहीं करोगी आप भी याद, बेटा पढ़ दो, हैं याद करने पड़ेंगे बेटा फॉर्मूले, ये ऐसे नहीं याद होंगे, हमारे कराने से आपको नहीं हो जाएगा, कुछ गलत फहमी में जी रहा हो, निकालो जल्दी से आंसर, आपकी किताब कहाँ है, और इसकी, इसको किताब मत दिखाओ आप, अपना करो, किताब में ही लाती है, फोक उससे, दोनों के फॉर्मूले बता दिए मैंने, कीर्ति पहले में क्या लगेगा, 5th में, लेटरल सरफेस देख पढ़ना क्वेश्चन में, लेटरल सरफेस एरिया बोला है ना, किसका निकालना है, किसका निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का, क्यूबॉइड और क्यूब का, पहले क्यूब का निकाल, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यार करो ना यार, ये भी सब मैं करा दूँगा, फ़ायदा क्या हो, नकल हो गई सारी यार, पढ़ी नहीं घर जा, कैसे करोगे मैथ में एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चन, मैंने जो करा वो आएगा एग्जाम में, घर जा कर पढ़ ही नहीं रहे यार तुम लोग, यार गुस्सा आती फिर यार, हर क्वेश्चन खुद ही कराऊँ, गुस्से भी तो करो कुछ, क्यूब का ज़्यादा आ रहा है कितना, उसका कितना, क्वेश्चन 5 क्या कहता था, देखो सारे करवा लो मुझसे, एक क्यूब दिया है
घर जाके पढ़ लो भाई, नाइन्थ है। गन, घनाभकार, दो केस दिए इसमें। घन की ये कितनी है, क्यूब की 10, और क्यूबॉइड की एल अलग है, बी अलग, और एच कितनी है 12.5, 10 और 8, ये तो है। तो ये तो चीज़ें चीज़ों को मैं बना के दिखा दिया, ये मेरे तरीके से, ठीक है, आ गई, सब भी निकाल दी। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हिंदी में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र फल क्या हुआ, बोलो, 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, अरे घन का नहीं, सॉरी क्यूबॉर्ड लिख दिया मैं, सर हाँ 4 ए का स्क्वायर, सॉरी मैंने क्यूबॉर्ड का लिख दिया, 4 ए का स्क्वायर हुआ ना 4, ए कितना है इसमें, साइड कितनी दी है क्यूब की, क्यूब तो ऐसे ही तो होता है देखिए, चारों चीज़ें बराबर बराबर, हाँ जी, और क्यूबॉर्ड कैसा होता है, जिसकी अपोजिट इक्वल, यानी क्या रेक्टेंगल से बनाना, यानी कहने का मतलब एल अलग बी अलग और एच अलग, क्लियर, तो 4 ए, ए कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 100, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हुआ ना, पढ़ो दो दो तीन घंटे, हाँ जी पलक बेटा पढ़ाई कर ले तू, हाँ जी दूसरा क्या करना है हमें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हिंदी में घनाभकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, धन्यवाद, चलो 2, एल कितना आया 12.5, बी कितना है 10, इंटू एच कितना है 8, क्रॉस होल कितना आया इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, एल प्लस बी कितना आया 22.5, इंटू 8 कितना आया तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाँ जी कौन बड़ा है बताओ, क्यूब बड़ा है ना, क्यूब कितना आया और क्यूबॉइड, तो कहने का मतलब लिखो क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में लिखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घन का अधिक है कितना अधिक है, यानी 400 में से 360, 400 किसका है क्यूब का ना, कितना ज़्यादा है 40 मीटर का स्क्वायर, ये सुन लो क्योंकि 400 कितना है क्यूब का और 360 कितना है किसका निकला है क्यूबॉइड, घनाभकार का, घन का 400, घनाभकार का 360, क्यूबॉइड का 4, क्यूब का 400, क्यूबॉइड का 360, कितना डिफरेंस है, ये तो आंसर है, ठीक है। अब अगला निकालना है टोटल सरफेस एरिया, हटाऊं लिखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हिंदी में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया, तो क्या होता है घन का 6a का फॉर्मूला है, 6a का स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, a कितना है इसका 10 का स्क्वायर 600, 600
सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सुनो, आप किसका निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हिंदी में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 2lb bh hl। 2l कितना है? 12.5। b कितना है? 10। मल्टीप्लाई पहला जी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, lb bh b है 10, h है 8, फिर h है 8, l है 12.5। ठीक है, कर दो दोनों को, इनको 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 आपस में मल्टीप्लाई, फिर जो भी आएगा प्लस करने के बाद दो से मल्टीप्लाई। शाबाश, तो ये आया 2, अंदर गया बातें नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ? 125। इसका हुआ 80, ये हुआ 100, फिर हुआ 2, प्लस कर दो तीनों को, 100 180 है 305। मल्टीप्लाई ब्रैकेट खुला, 610 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसका ज़्यादा है इस बार? क्यूबॉइड। तो क्या लिखोगे? जिसका ज़्यादा है, क्यूबॉइड हैज ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में लिखोगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना है देखते हैं, कितना है? 610 में से 600 क्यूब का माइनस किया, बचा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सुनो, तो ये था आपका आंसर। इस तरह से आपको कर लेना है किसका कितना ज़्यादा है। बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नकल पे कम विश्वास करें, अकल पे ज़्यादा विश्वास करें, और अकल लगाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पर मेहनत करनी पड़ेगी, टीवी कम देखनी पड़ेगी। क्या सुनो, तो जब टीवी देखोगे तभी आपको अपनी पढ़ाई की टीवी दिखाई देगी, है ना? हाँ, जिस पर बहुत सारे चैनल हैं, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? कभी मैथ का चैनल, कभी साइंस का, कभी SST का, कभी इंग्लिश का, कभी संस्कृत का, और हर चैनल के बहुत से एपिसोड भी हैं, है ना? चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, है ना? तो आप कितने सारे एपिसोड देख रहे हैं अपनी पढ़ाई के, तो आप वो दिख नहीं रहे और आप दूसरी टीवी देखने में लगे हो, ये सुनो, तो आपकी टीवी ख़राब हो जाएगी फिर, हैं? चलो लिखो जल्दी से। लिख लिया, तो ये क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक क्यूब था और एक क्यूबॉइड था, एक क्यूब का लेटरल लगाना था, एक क्यूबॉइड का लेटर लगाना था, दोनों से बड़े देखने थे, जिसमें क्यूब हमारा आगे निकला, 40 ज़्यादा निकला, ऐसे ही कुछ था 40, लेकिन जब हमने टोटल की बात की, एक क्यूब था एक क्यूबॉइड था, दोनों का फॉर्मूला लगाया और दोनों को देखा, इस बार क्यूबॉइड जीत गया। कितना ज़्यादा जीत गया? 10 ज़्यादा जीत गया। पहले क्यूब जीता फिर क्यूबॉइड जीता। अब तुम लोग जीतो, जाकर घर जाकर पढ़ना, प्लीज़ घर जाकर पढ़ो।